तो हाय दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का शानदार स्वागत है। मेरा नाम है आसिफ और आप देख रहे थे ग्राक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो से आप काफी कुछ सीखने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूँ, आपको बहुत कम यूट्यूबर आपको बताते हैं। अगर आप ये वीडियो देख लेते हो ना, मतलब पूरा एंड तक देख लेते हो, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप भी अपने वीडियोज में एंगेजिंग वीडियोज बना सकते हैं। एंगेजिंग वीडियोज का मतलब क्या है? जब आप वीडियो पब्लिश करते हैं तो जो देखने वाले बंदे हैं आपके वीडियो को देखते ही जाए, आपके वीडियो को स्किप ना करें। अभी मैं आपके सामने दो वीडियो आपको दिखाऊंगा और आपको करना क्या है, उस वीडियो को देखना है और समझना है कि उस वीडियो में हो क्या रहा है। दोस्तों, तो ये दो वीडियो अभी आपके सामने मैं पेश करने वाला हूं, तो इस वीडियो को देखो और समझो। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, किसी भी चीज की। इस कंपनी का नाम है नथिंग। ये एक काफी डिफरेंट ईयरफोन है, स्पेशली डिजाइन के मामले में। और इस कंपनी के क्रिएटर काल पे ये सेम पर्सन है जिन्होंने वन प्लस को फॉर्म करा था, स्टार्टिंग से एंड तक उस कंपनी को बिल्ड करा था। और किसी को नहीं लगा था, तुम लोगों को इतना तो ऑलरेडी पता है कि यूट्यूब का 70% ट्रैफिक यूट्यूब के एल्गोरिथम से आता है। आप इमेजिन करो कि मैं तुम्हारे साथ कोई एक ऐसा सीक्रेट शेयर कर लूं जिससे तुम अपने वीडियोस को रिमोल्ड कर सको और इस 70% को टारगेट कर सको। ऐसा स्मॉल क्रिएटर जिसके अभी 1000 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, मैं इसी 70% को टारगेट कर। तो देख लिया उस वीडियो को और उस वीडियो से आपने क्या सीखा है और उस वीडियो में आपने क्या ऑब्जर्व किया, मैं आपको बताता हूं। आप टेक बर्नर के वीडियोस तो देखते होंगे, तो उस वीडियो में होता क्या है, टेक बर्नर अपने वीडियोस में एंगेजिंग बनाता है। जब भी आप वीडियोस को देखते हैं उनके वीडियोस को, तो जब स्टार्ट करते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि टेक बर्नर की वीडियो कब खत्म होगी। उतनी एंगेजिंग होती है, उतना आपको एंटरटेन होता है इस वीडियो से। तो वैसे वीडियोस को आप कैसे अपने वीडियो में एंगेजिंग वीडियो बना सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और सेकंड वीडियो भी सेम यही है दोस्तों, वो भी भाई साहब अपने वीडियो में वीडियो को एंगेजिंग वीडियो बनाते हैं, ताकि जो भी बंदे देखते हैं उस वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को देखता चले जाए। अगर आप अपने वीडियो में एंगेजिंग वीडियो बनाना चाहते हैं, तो पहले थोड़ा सा आपको मैं समझाना चाहता हूं। जब भी आप कोई टॉपिक, कोई कंटेंट के ऊपर कोई वीडियो शूट करते हैं, जब आप बोलते हो, जब एक्सप्लेन करते हैं, तो थोड़ी थोड़ी देर आप रुक जाते हो, मतलब मैं अभी जो रुक जा रहा हूं के, तो ये जब आप सांस लेते हो, तो ये जो गैप है ना दोस्तों, आप अपने वीडियो में ऐसे ही छोड़ देते हो, इसको इग्नोर कर देते हो। तो यही सबसे बड़ी गलती है जो आप करते हो। तो इस पार्ट को जो आपने जो जस्ट सेकंड, एक सेकंड भी नहीं दोस्तों, उससे भी कम होता है, तो जो आप इग्नोर कर देते हो, उसी को अगर आप कट कर वीडियो एक्सपोर्ट करते हैं, तो आपकी भी वीडियो एंगेजिंग वीडियो बनने वाली है। अगर आप जहां पर रुकते हो, अगर उस पार्ट को आप कट कर लेते हो, तो आपकी भी वीडियो में एंगेजिंग होने वाली है। जो भी आपकी वीडियो को देखता है, तो वो बस देखता ही चले जाता है, उसको पता नहीं चलता कि आपकी वीडियो कब खत्म होगी। जैसा कि इस वीडियो में मैं भी जो जहां पर रुका हूं, उस पार्ट को मैं टोटल कट कर चुका हूं, और जो भी बोलना स्टार्ट करा था, वहीं से वीडियो को जोड़ता चले गया और एक्सपोर्ट कर लिया। तो जैसा कि आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो चलिए मैं अभी आपको बताता हूं कि कैन मास्टर से आप अपने वीडियो में कैसे कट आउट करते हैं। बट चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो। और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो अभी की अभी लाइक करो, फौरी लाइक करो, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है इसी तरह के वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पर कैन मास्टर ओपन करो। ओपन करने का आपको क्रिएट ए न्यू पर चले जाओ और यहाँ से आपको 16:9 रेशियो लेकर नेक्स्ट पर चले जाना है। ओके, अब आपको करना क्या है, जो भी वीडियो को एडिट करना चाहते हो वो वीडियो को लेकर आ जाओ। तो यहाँ से मैं अपनी वीडियो को लेकर आ जाता हूँ। ओके, अब आने के बाद आपको स्टार्टिंग पॉइंट पर आने के लिए आपको स्लाइड करना होगा, या फिर आप चाहे तो डायरेक्ट आना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करो, इसको दबा के पकड़ो, और ये वाला जो फर्स्ट वाला है ना, मूव टू द प्रीवियस पॉइंट, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट पर आप आ जाते हैं। तो अब आपको करना है, यहाँ से एडिट करना है जो भी आप वीडियो एडिट करना चाहते हैं। तो हम इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूँ कि कटआउट कैसे करते हैं, जहाँ पर भी हमने एकदम से साइलेंट हो गए थे या फिर हमने चुप रहा था, तो उस पार्ट को कैसे कट करें प्रॉपरली, सही तरीका क्या है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप जो गलत तरीके से आप जो कटआउट करते हैं वो कैसे करते हैं। आप नॉर्मली क्या करते क्या हो, जहां पर भी आपने एकदम से साइलेंट हुए थे वहां पर टैप करते हो, कैंची पर चले जाते हैं और उसको स्प्लिट एट प्लेट पर क्लिक करते हो, और जहां तक इसकी जो लेंथ है उसको यहां से कट कर लेते हो। ओके, तो ये वाले पार्ट को आप डिलीट कर लेते हो। तो आपको ऐसी गलती नहीं करने का, तो सही तरीका क्या है वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। बट अभी तक लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो, और लाइक करो जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए, तो अभी सही तरीका आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको करना क्या है, जब भी आप वीडियो एडिट करते हो, तो आपको ऐसा नॉर्मल वीडियो एडिट नहीं करना है, आपको पहले इसको जूम कर लेना, जितना जूम करना चाहते हैं, जितना होता है जूम आपको उतना जूम पहले कर लेना है। तो यहाँ देखो, ये लास्ट जूम इतना हो चुका है। तो एक बार प्ले करता हूँ वीडियो और आपको दिखाता हूँ कि कितने स्पीड से ये रन करता है, आपको दिखाता हूँ। ओके, तो देखिए दोस्तों कितने स्पीड से ये रन कर रहा है, तो ये हमें जूम कर लिया। तो अब यहाँ से हम बारीकी से अच्छे से एडिट कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपने एकदम से साइलेंट हो गए थे, आप जहाँ पर भी जस्ट सेकंड के लिए भी साइलेंट हुए थे, तो उस पार्ट को भी आप डिलीट कर सकते हैं बड़े आराम से, मतलब कटआउट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो, मैं यहाँ से बोलना स्टार्ट किया था, कैंची पर चले जाता हूँ, इसको दो पार्ट पर कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब जो ये वाला पार्ट है ना, इसको यहाँ से बकेट पर जाता हूँ और डिलीट कर लेता हूँ। ओके, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस वीडियो को एडिट करने वाला हूँ। ओके, तो कैसे एडिट करने वाला हूँ अभी आपको बताता हूँ। ओके, स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाने के बाद आपको बताता हूँ। तो ये आ गया है,
तो यहाँ पर देखे दोस्तों, यहाँ से मैं बोलना स्टार्ट किया और जहाँ पर भी मैंने साइलेंट मतलब थोड़ा सा भी मैं चुप रहा वहाँ पर उसको कटआउट करने वाला हूँ। तो वीडियो की एक बार प्ले करता हूँ। दोस्तों फिर से एक वीडियो में आप सभी का शानदार स्वागत है। मेरा नाम है सिर्फ और आप देख रहे हैं ग्रैक यूट्यूब चैनल। तो देखिए दोस्तों, मैं जहाँ पर यूट्यूब चैनल बोला है लास्ट वर्ड, तो वहाँ पर मैं कटआउट करने वाला हूँ। तो एक बार फिर से प्ले करता हूँ चैनल। तो फिर से एक बार YouTube चैनल। तो यहाँ पर आपको इतना आपको रखना है। तो एक फिर से मैं थोड़ा सा हटाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, कैंची पर चले जाना है और स्प्लिट एट प्लेट पर आपको क्लिक कर लेना। ओके, रेड पर क्लिक कर दो। जहाँ पर आप एक पार्ट हो गया, जहाँ से आप सेकंड बार बोलना स्टार्ट करते हो वहाँ पर आपको एक कटआउट करने का है। तो यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ, मतलब प्ले करता हूँ। तो देखते हैं। तो यहाँ से आपको अच्छे से प्रॉपरली आपको कट करने के लिए 2-3 बार आपको वीडियो आपको प्ले करके देखना है। तो यहाँ से सही नहीं। ओके, तो फिर से मैं बैक चले जाता हूँ। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर करेक्ट टाइमिंग है, इसको कैंची पर चले जाओ और स्प्लिट एट प्लेट पर आपको क्लिक करना है। अब जो ये वाला पार्ट है ये एकदम से बेकार है, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। ओके, तो एक बार प्ले करता हूँ वीडियो, तो देखो कितना ऑसम लगता है। एकदम प्रॉपरली हम सही तरीके से जो कटआउट किए थे वो एकदम से सही तरीके से कटआउट हो गया है। तो प्ले करता हूँ और एक बार देखो आप। हाय दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का शानदार स्वागत है। मेरा नाम है सिर्फ और आप देख रहे थे ग्रैक यूट्यूब। दोस्तों इस वीडियो से तो देखना दोस्तों कितने हम सही तरीके से इसको कटआउट करें। तो एक बार फिर से एक बार आपको प्ले करके दिखाना चाहता हूँ, तो अच्छे से देखो यूट्यूब। दोस्तों इस फॉर आप देख रहे थे ग्रैक यूट्यूब। दोस्तों इस वीडियो से आप तो देखना दोस्तों, हम जस्ट सेकंड भी हमने यहाँ पर जो बेकार पार्ट है जहाँ हमने साइलेंट रहा था उस पार्ट को जो प्रॉपरली हमने कट कर दिया है। और तो दिखने में बहुत अच्छा लगता है, जब आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो ये और भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखो, फिर से आपको वीडियो प्ले कर आपको दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों इस वीडियो से आप काफी कुछ सीखने वाले हैं। तो कुछ इस तरह आपको भी अपने वीडियो में जो जहां पर भी आपने साइलेंट रहा है, जहां पर आपने चुप रहा है, तो उस पार्ट को आप अच्छे से कटआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जूम कर लेना है, ये बाय डिफॉल्ट जूम नहीं होता है। तो आपको पहले 2 फिंगर से आपको जूम करना है, उसके बाद एडिटिंग करना है। तो आपकी एडिटिंग ऑसम होगी और आपकी वीडियो में एंगेजिंग वीडियो आपकी बनने वाली है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते कुछ इस तरह के अगले वीडियो में। बाय।